काफी दिनों से मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूनि लाइफ का एक मिनी व्लॉग ही बना लिया जाए। तो जैसे ही मैं सुबह उठा, कपड़े बदलकर बगैर मुंह धोए मैंने जैकेट पहन ली, उसके बाद लैपटॉप को रखा बैग में और जरूरी सामान भी मैंने अपने बैग में रख दिया। और फिर जैसे ही मैं गेट खोलकर बाहर निकला तो मेरी बाइक मुझसे पहले ही मेरे इंतजार में बाहर खड़ी थी। बस फिर होना क्या था, मैं अपने रिवायती अंदाज में बाइक पर बैठ गया और बाइक स्टार्ट करके सीधा पहुंचा मैं पेट्रोल पंप पर, क्योंकि मेरी बाइक बोलती है कि आप नाश्ता करो या ना करो, मुझमें आपने पेट्रोल लाजमी डलवाना है, वरना मैं आपके साथ यूं ही नहीं चलूंगी। पेट्रोल डलवाने के बाद सुबह की ठंडी हवाओं को एंजॉय करते हुए मैं चल दिया अपनी मंजिल की तरफ। शहराए फैसल पर पहुंचने के बाद ट्रैफिक को देखकर मेरे जहन में सवाल आता है, क्या ये लोग रात को सोते भी हैं या नहीं। बहरहाल कैसे भी कर करा के मैं यूं ही पहुंच गया और यहां आकर देखा तो पार्किंग पहले से फुल थी। बस फिर मुझे यकीन हो गया कि ये लोग रात को नहीं सोते हैं। जैसे तैसे बाइक को साइड में लगाकर मैं चल दिया आगे की तरफ। उसके बाद सबसे पहले यूनि के वॉशरूम में हाजिरी लगाई, बाल वगैरह सेट किए, वहां से मैं चल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब की तरफ, क्योंकि हमने IoT का प्रोजेक्ट बनाना था। कुछ देर बाद मेरा पार्टनर भी अपने रिवायती अंदाज में यूनि पहुंच गया। उसके बाद हम सामान उठाकर प्रोजेक्ट बनाने में लग गए। बस फिर उसके बाद होना क्या था, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन मेरी क्लास का टाइम हो गया। तो उसके बाद मैंने अपने पार्टनर को बोला कि मैं चलता हूं क्लास में, अब यहां पर सब कुछ तुम संभाल लेना। यहां पर क्लास में सर सबसे वाइवा ले रहे थे, मैंने भी प्रोजेक्ट रिसर्च का वाइवा दिया और इतनी देर में घंटी भी बज गई और छुट्टी हो गई। मैं उस क्लास से निकला और सीधा चला गया वॉशरूम, वहां पर बाल वगैरह सेट किए और उसके बाद पहुंच गया मैं दूसरी क्लास में। यहाँ पर मैं सब तक आई नहीं थी, तो बस फिर मैं अपनी मनपसंद जगह ढूंढकर वहां पर बैठ गया और सबको बैठकर देखने लग गया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और इतनी ही देर में वहां पर मेरा दोस्त आ गया और फिर जब मैंने कैमरा उसकी तरफ घुमाया तो वो अपने रिवायती अंदाज में पोज मारने लगा। बस फिर उसके बाद हमने क्लास ली, क्लास के एंड होने के बाद सीधा पहुंच गया मैं अपने दोस्त के पास। थोड़ी देर वहां पर बैठकर मैंने उससे काम की रिपोर्ट ली, पार्किंग से बाइक निकाली, जल्दी से जैकेट पहनकर मैंने यूनि को खुदा हाफिज बोला और उसके बाद चल दिया मैं घर की तरफ। अगर ये मेरा मिनी व्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।